डेरीवाल गौशाला में प्रधान नीलम सैनी की अध्यक्षता में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस महिला कमेटी की जिला अध्यक्ष रंजना महाजन उपस्थित हुई, जिन्हें इस दिन में सबको शुभकामनाएं दी और कहा है कि श्री राधा कृष्ण जी की ये मूर्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्थापित की जाएगी, जिसके सबको शुभकामनाएं हो। आज डेरीवाल गौशाला में जहाँ की प्रेसिडेंट नीलम सैनी जी और जहाँ के प्रेसिडेंट बिल्ला महेजी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जो कि जन्माष्टमी वाले दिन जहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद। जय गौ माता, जय गौ, जय गौ माता दी। जैसा कि सभी को पता ही, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज डेरीवाल गौशाला में श्री बांके बिहारी जी, राधा रानी जी, गणपति गणेश जी और बजरंग बली जी वृंदावन से खुद चलकर जो हमारे डेरीवाल गौशाला में आए हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा का जो पहला दिन है, जो इससे कि सभी शहरवासियों को हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो डेरीवाल गौशाला में प्राण प्रतिष्ठा का पहला दिन है, कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी बांके बिहारी जी और राधा रानी जी की, और परसों जो है पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति स्थापना की जाएगी। उसके बाद सभी को लंगर प्रसाद बांके बिहारी जी का दिया जाएगा। हम कौन होते हैं देने वाले, बांके बिहारी जी खुद सभी को लंगर प्रसाद खिलाएंगे। सभी शहरवासियों से, गौ प्रेमियों से, राधा कृष्ण जी के प्रेमियों से हमारा निवेदन है कि प्लीज एक बार कृपा करके जरूर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने डेरीवाल गौशाला में आए, क्योंकि सोमवार को बांके बिहारी जी खुद बैठने जा रहे हैं बांके बिहारी जी डेरीवाल गौशाला में। सभी गौ प्रेमियों से यही हमारा, सभी गौ सेवा संगठन के सदस्यों की ओर से निवेदन है कि सभी एक बार आकर देखें कि डेरीवाल गौशाला में कैसे गौ माता की सेवा हो रही है, और बांके बिहारी जी खुद उनका निरीक्षण करने अब आगे हैं। आज गोपालधाम गौशाला में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। सभी शहरवासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो कल और परसों दो दिन, कल शोभा यात्रा का प्रोग्राम चलेगा और परसों श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना होगी। सभी धर्म प्रेमियों से, शहरवासियों से निवेदन है कि वो गौशाला डेरीवाल में पहुंचकर श्री भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त, राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। आपको ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि आज हमारी डेरीवाल गौशाला में भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का समारोह शुरू हो गया है। आज पूरे विधि विधान से हवन और मंडल पूजन हुआ। कल गौशाला में शोभा यात्रा होगी और जिसका धूमधाम से ठाकुर जी को गौशाला में ही उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और परसों इनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि आप सभी बहुत उत्साह के साथ हमारी गौशाला में आइए और आकर के भगवान राधा कृष्ण जी का स्वागत करिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।